हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरजी ते। दोस्तों, अज दी वीडियो च आपां पंजाब जीके दे इंपोर्टेंट क्वेश्चनां दी क्विज करन जा रहे हां। हां जी, इस तों इलावा पंजाब जीके दी होर भी वीडियो चैनल ते अपलोड ने, उह तुसीं चैनल दी प्लेलिस्ट विच जाके वेख सकते हो। नाले अज दी वीडियो दी पीडीएफ तुसीं साडे टेलीग्राम चैनल तों डाउनलोड कर सकते हो, उस दा लिंक तुहानूं इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जाएगा। हाँ जी, अज की क्विज विच तुसी जिन्ना भी स्कोर करते हो वो अपनी ईमानदारी नाल कमेंट बॉक्स च जरूर दसना जी। नाले जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर जरूर करो जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज की क्विज नू। हाँ जी, अज की क्विज नू स्टार्ट करन तो पहला जेड़े भी साथी लाइव होए ने उन्हां अगे मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट हैगी है, प्लीज़ इस वीडियो नू पहला शेयर कर दो अपने वट्सएप ग्रुपां विच तां जो तुहाडे फ्रेंड भी ने वह भी इस क्विज नू जॉइन कर सकन। हाँ जी, एक बारी जल्दी तो जल्दी अपने वट्सएप ग्रुपां विच इस वीडियो नू शेयर कर दो जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज दी क्विज नू। फस्ट क्वेश्चन दिता होया है, पंजाबी साहित्य दा वर्ड्सवर्थ किस कवि नू कहा जांदा है। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन ही अपना वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिता होया जी। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो भाई वीर सिंह तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाबी साहित्य दा वर्ड्सवर्थ किस कवि नू कहा जांदा है तो भाई वीर सिंह जी नू कहा जांदा है। चलदे हां नैक्सट क्वेश्चन वल। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है, पंजाबी भाषा दा मुढ़ला कवि किस नू कहा जांदा है। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल, फस्ट दिता जी भाई वीर सिंह, सैकेंड ऑप्शन हैगा गुरु नानक देव जी, थर्ड ऑप्शन हैगा बाबा फरीद, तो फोर्थ हैगा जी वारिस शाह। हाँ जी, आपां दसना है पंजाबी भाषा दा मुढ़ला कवि किस नू कहा जांदा है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो जी गुरु नानक देव जी तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। चलते हाँ नैक्सट क्वेश्चन वल। पंजाबी का पहला स्टेजी नाटककार कौन है। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो डॉक्टर हरचरण सिंह तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाबी का पहला स्टेजी नाटककार डॉक्टर हरचरण सिंह नू कहा जाता है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, पंजाबी साहित्य खोज का मोढ़ी किस नू कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा बाबा बुद्ध सिंह, सैकेंड ऑप्शन हैगा डॉक्टर हरचरण सिंह, थर्ड ऑप्शन हैगा जी प्रोफेसर पूरन सिंह, तो फोर्थ हैगा प्रोफेसर मोहन सिंह। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो बाबा बुद्ध सिंह तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाबी साहित्य खोज का मोढ़ी किस नू कहा जाता है, बाबा बुद्ध सिंह जी नू। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, पंजाबी कोश का मोढ़ी कोशकार किस नू मन्या गया है। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो बिशन दास तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। पंजाबी कोश का मोढ़ी कोशकार किस नू मन्या गया है, बिशन दास जी नू। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वल। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर करो जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, सस्सी पुन्नू का सब तो प्रसिद्ध किस्सा किसने लिखा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन तुहाडे कोल, फस्ट हैगा वारिस शाह, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी फजल शाह, थर्ड ऑप्शन हैगा पीर मुहम्मद, तो फोर्थ हैगा हाशम। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो हाशम तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, पूरन भगत का सब तो प्रसिद्ध किस्सा किसने लिखा सी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो फजल शाह तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पूरन भगत का सब तो प्रसिद्ध किस्सा किसने लिखा जी, फजल शाह जी ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा, मिर्जा साहिबा दे सब तो प्रसिद्ध किस्से की रचना किसने की है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा वारिस शाह, सैकेंड ऑप्शन हैगा हाशम शाह, थर्ड ऑप्शन हैगा पीलू, तो फोर्थ हैगा जी दमोदर। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो
पीलू तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, मिर्जा साहिबा दे सब तो प्रसिद्ध किस्से की रचना किसने की है जी? पीलू ने की है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। पहला पंजाबी सूफी कवि होने का माण किसनों हासिल है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल। फर्स्ट हैगा बाबा फरीद, सैकेंड ऑप्शन हैगा बुले शाह, थर्ड ऑप्शन हैगा जी पीलू, तो फोर्थ हैगा शाह हुसैन। हाँ जी, आपां दसना है कि पहला पंजाबी सूफी कवि होने का माण किसनों हासिल है। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबा फरीद जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। पंजाबी भाषा का पहला अखबार केड़ा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा रोजाना अजीत, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी खालसा दरबार, थर्ड ऑप्शन हैगा गदर, तो फोर्थ हैगा जी पंजाब गजटियर। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो, पंजाब गजटियर, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाबी भाषा का पहला अखबार केड़ा हैगा? पंजाब गजटियर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। पंजाबी साहित का बाबा बोर्ड किसनों कहा जाता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा नानक सिंह, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी भाई वीर सिंह, थर्ड ऑप्शन हैगा प्रोफेसर पूरन सिंह, तो फोर्थ हैगा जी प्रोफेसर मोहन सिंह। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हैगा वह हैगा जी संत सिंह सेखो, जिहड़ा इन्हां ऑप्शन विच नहीं दिता होया, ये तुसी अलग तो नोट कर लेना जी, संत सिंह सेखो। जी क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देने जी। पंजाबी साहित दा बाबा बोर्ड किसनों कहा जाता है? तो वह कहा जाता जी संत सिंह सेखो जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। पंजाब संगीत नाटक कला अकेडमी कित्थे स्थित है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट दिता जी पटियाला, सैकेंड ऑप्शन हैगा चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन हैगा अमृतसर, तो फोर्थ हैगा जी आनंदपुर साहिब। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी चुनते हो चंडीगढ़, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाब संगीत नाटक कला अकेडमी कित्थे स्थित हैगी है? चंडीगढ़। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी तूता वाला खूह किस दी रचना है? चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी सोहण सिंह शीतल, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी करतार सिंह दुग्गल, थर्ड ऑप्शन हैगा शिव कुमार बटालवी, तो फोर्थ हैगा जी नानक सिंह। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुनते हो सोहन सिंह शीतल, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, तूतां वाला खूह किस दी रचना हैगी जी? सोहन सिंह शीतल की रचना हैगी है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा। आटे दियां चिड़ियां किस दी रचना है? चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा सोहन सिंह शीतल, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी करतार सिंह दुग्गल, थर्ड ऑप्शन हैगा शिव कुमार बटालवी, तो फोर्थ हैगा नानक सिंह। जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो शिव कुमार बटालवी, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आटे दियां चिड़ियां शिव कुमार बटालवी जी दियां रचना ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हीर रांझे का किस्सा सब तो पहला किसने लिखिया सी? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा दमोदर, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी हाशम शाह, थर्ड ऑप्शन हैगा अहमद, तो फोर्थ हैगा वारिस शाह। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो जी वारिस शाह, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा सावे पत्र साहित का केड़ा रूप है? फिर तो रिपीट कर देने जी, सावे पत्र साहित का केड़ा रूप है? चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा नाटक, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी इकांगी, थर्ड ऑप्शन हैगा कविता, तो फोर्थ हैगा जी सवे जीवनी। हाँ जी, जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो कविता, तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सावे पत्र साहित का केड़ा रूप हैगा जी? तो वह एक कविता का रूप हैगा। हाँ जी फ्रेंड, अज की क्विज़ विच तुसी जिन्ने भी क्वेश्चन करैक्ट करते हो वो अपनी ईमानदारी नाल कमेंट बॉक्स में जरूर दसना जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, अणव्याही माँ
किस दी रचना है? चार ऑप्शन दिते हुए ने। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनते हो गुरबख्श सिंह तो आंसर है जरा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अणव्याही माँ गुरबख्श सिंह की रचना है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। लोहाकुट किस दी रचना है? चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी गुरबख्श सिंह, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी बलवंत गार्गी, थर्ड ऑप्शन हैगा दलीप कौर टिवाणा, तो फोर्थ हैगा जी संत सिंह सेखो। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनते हो बलवंत गार्गी तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। जी लोहाकुट बलवंत गार्गी जी की रचना है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा एक दिल बिकाऊ है साहित्य का केड़ा रूप है? चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी नाटक, सैकेंड ऑप्शन हैगा कविता, थर्ड ऑप्शन हैगा कहानी, तो फोर्थ हैगा जी नावल। जी आपां दसना है कि एक दिल बिकाऊ है साहित्य का केड़ा रूप है। जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुनते हो नावल तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, चलते हैं अज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन वाल। लास्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी, चिट्टा लहू किस दी रचना है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर है जिहड़ा तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। फिर तो रिपीट कर देने क्वेश्चन, चिट्टा लहू किस दी रचना है? चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी सुरजीत पात्र, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी नानक सिंह, थर्ड ऑप्शन हैगा अमृता प्रीतम, तो फोर्थ हैगा बाबा बलवंत। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। तो नाल ही अज की क्विज़ विच जिन्ना भी तुसी स्कोर करते हो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है जी। हाँ जी, अज की वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करियो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर करियो जी। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करियो, तो पास लगे बैल आइकन नू भी जरूर दबायो, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।